मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। और विशेष भक्त की अगर कोई गाथा सुननी है ऑडियो कैसेट में तो जाइए दस्तक जिंदगी पर। धर्मेश पत्रिका का ये दूसरा चैनल दस्तक जिंदगी आपको पता है ना। चलिए आज की कथा, हर भक्त ये चाहता है कि महाराज जी कैसे रहे, उनके साथ जो उनके सेवक वहाँ रहते थे, उनके साथ उनकी माइयाँ जो रहती थी वहाँ पर, कैसा वातावरण होता था, क्या क्या होता था वहाँ, ये सब जानना चाहते हैं। और मैं भी आपको घटना दर घटना, कथा दर कथा बता रहा हूँ। एक दिन की बात बता रहे हैं, बाबा नीम करोड़ी के कई फोटो, बलराम ये महाराज जी ने, विदेशी भक्त है उसको ये नाम दिया है बलराम, तो कई फोटो खींचे। और वो दिन कौन सा है, महाराज जी का 15 जून का भंडारा 1973 अंतिम भंडारा था, ये उनकी देखरेख में मानव लीला की तरह में। देखरेख तो अभी भी है, क्योंकि अगर अभी देखरेख नहीं होती तो जो बादल फटा ना कैंची धाम में सब कुछ बह गया होता, लेकिन धाम के साथ पूरे नगर की रक्षा की। तो 15 जून 1973 का समय है, बलराम ने बहुत फोटो खींचे हैं और वो फोटो बनवा कर लाए हैं दिल्ली से, बड़ी संख्या में फोटो है। आदमी लोग महाराज जी के फोटो बनवा के बांटते हैं, कैंची धाम में जो भक्त आए हैं उन्हें लिफाफा पर रख के वो फोटो दिए जा रहे हैं, महाराज जी के पास रख दिए बलराम ने, और महाराज जी ऐसे अपने भक्तों को देते भी जा रहे हैं। 1973 ऐसा वर्ष जो बाद में समझ में आया ना, बिछो का वर्ष था। महाराज जी ने कुछ लिफाफे उठाए, बलराम को दिए, ये कहा कि सुधीर दादा को दे दो। बलराम ने सुधीर दादा को दिए और सुधीर दादा ने अगले आदेश का इंतजार किया, और अगला आदेश हुआ कि जाओ माताओं को दे, वे बहुत ज्यादा फोटो मांगते हैं, वो फोटो के लिफाफे माताओं के लिए भेज दिए सुधीर दादा ने, और सुधीर दादा ने सबको जितनी माताएं बैठी थी उनको दे दिए। माताओं बड़े बहुत प्रसन्न था, बहुत एकदम प्रसन्न कि महाराज जी ने अपना फोटो भेज दिया, जबकि आपको पता ना वो फोटो नहीं खिंचाया करते थे, लेकिन ये मौज की बातें हैं। अगर वो ऐसी फोटो नहीं खिंचाते तो आज हम ये नहीं जान पाते कि हमारे महाराज जी कैसे थे, दिखने में कैसे लगते थे, है ना। तो आज हम उन फोटोओं की बदौलत ही हम जान पाए। अब माताओं ने जैसे लिफाफा खोला और हाथ डाला, दादा ये क्या लाए, लिफाफा लाए, खाली लेके चले आए। अब दादा ने कहा मुझे क्या मालूम, मुझे जो दिए मैंने दे दिए तुमको। जो माइया हैं वो शिकायत कर रही हैं कि मुझे खाली लिफाफे दिए हैं। सिद्धि मां भी बैठी है, सिद्धि माँ कहती है अरे महाराज जी ने सबको फोटो दिए और हम लोगों के लिए खाली लिफाफे भेज दिए, और बड़ी जोर से ठटाका मार के सब लोग हंस पड़ते हैं। आखिर एक जगह जो लिफाफा रखे थे उनमें फोटो रखे थे, वो फोटो भक्तों को दिए जा रहे थे, उन्हीं में से कुछ लिफाफे माइयों को भेज दिए गए, और माइयां जब अपने लिफाफों को देखती हैं तो चित्र गायब होता, फोटो मिलता ही नहीं है। इस सब जैसे ही दादा ने बताया बाबा को आके कि महाराज जी वो फोटो नहीं मिले उसमें, उन्हें तो खाली लिफाफे मिले, महाराज जी हंसने लगते हैं, बोले माइयों को तो फोटो चाहिए थे, हम क्या करें, हमने तो दिए, अब नहीं पहुंचे तो हम क्या करें।
और तब तक माइयाँ आ जाती हैं और बहुत हंसी खुशी का वातावरण वहां होता है। मित्रों, नाथ जी जानते थे कि इस वर्ष के बाद हम यहां सशरीर उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा वातावरण बनाए रखा हमेशा बहुत प्रफुल्लित, अच्छा और अनुशासन से परिपूर्ण। इस झलक के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट भी